बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयद अली हजवेरी अलमारूफ़ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी में राय राजू के कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ी अहमियत का हामिल है। वाक़या कुछ इस तरह है कि रोज़ाना एक बूढ़ी औरत सर पर दूध का मटका रखे उस रास्ते से गुज़रती जहां हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा होते थे। आपने एक दिन उस औरत को बुलाकर कहा कि तुम इस दूध की कीमत ले लो और ये दूध हमें दे दो। उस औरत ने जवाब दिया कि हुजूर, ये दूध मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये दूध मुझे मजबूरन राय राजू जोगी को देना पड़ता है, और अगर उसे ना दूँ तो इसका असर ये होता है कि जानवरों के थनों से बजाए दूध के खून निकलने लगता है। हजरत दाता साहब उस औरत की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि अगर तुम ये दूध हमें दे दोगी तो अल्लाह ताला के फजल से तुम्हारी गायें बहुत सा दूध देंगी और जानवरों पर कोई असर नहीं होगा। चुनाचे उस औरत ने आपको सारा दूध दे दिया। आपने उस दूध में से थोड़ा सा पी लिया और बाकी दोस्त अहबाब में तकसीम कर दिया। जब बूढ़ी औरत घर वापस आई और शाम को जानवरों को दोहा तो जानवरों ने इस कदर ज़्यादा दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए और फिर भी दूध ख़त्म नहीं हुआ। ये खबर आनन फानन कुर्बो जवार के तमाम देहातों में फैल गई और लोग दूर दराज से अपने जानवरों के दूध आपके पास लाने लगे। आपका ये दस्तूर था कि आप थोड़ा सा दूध उनके मटके में से पीकर बाकी तकसीम कर दिया करते थे, और जब उन लोगों ने घर जाकर अपने अपने जानवरों को दोहा तो उन्होंने भी बेहिसाब दूध दिया। इस करामत का नतीजा ये हुआ कि अब कोई दूध वाला भी राय राजू जोगी की तरफ रुख नहीं करता था और आपके पास लोग जौक दर जौक आने लगे। राय राजू जोगी को जब इस बात का इल्म हुआ तो बहुत परेशान हुआ और हुजूर दाता साहब की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि दूध तो आपने हमारा बंद करा दिया है, अब मैं आपका कोई और कमाल देखने आया हूँ। आपने फरमाया कि मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं जो कमालात दिखा सकूँ, मैं तो एक आजिज़ो मजबूर इंसान हूँ, बाकी अगर तुम में कोई कमाल है तो दिखाओ। चूँकि उस जोगी ने बड़ी बड़ी रियाजतें की थीं और मुजाहिदा में ज़िंदगी गुजारी थी, वो आपके सामने हवा में उड़ने लगा। जब वो हवा में उड़ रहा था तो आपने अपनी जूती मुबारक उसकी तरफ फेंक दी, चुनाचे वो जूती उसके सर पर पड़ने लगी। जब हक के सामने बातिल की कोई पेश ना गई तो उसने आपको खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और आपके दस्ते हक परस्त पर बैत हो गया। उस बैत के बाद आप उसकी बातनी और रूहानी इस्लाह फरमाते रहे। कबूल इस्लाम और सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से तरबियत पाने के बाद राय राजू तारीख़ सूफिया में हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सदके हमें भी राह हिदायत पर इस्तकामत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।